हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं BSTC के बारे में। BSTC की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। आप सभी के बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे कि भैया BSTC के बारे में जानकारी दीजिएगा। तो दोस्तों PTT के बारे में मैं तो मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, PTT के बारे में तो मैंने जानकारी दे दी है। अब बात करने वाले हम BSTC की, ठीक है। तो बिल्कुल सभी का स्वागत है क्लास के अंदर। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों BSTC के बारे में, ठीक है। BSTC की पूरी तैयारी भी करवाऊंगा दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल अच्छे से पूरी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। क्लास से रेगुलर स्टार्ट होने वाली है, देखिएगा। हम बात करते हैं प्रमुख इन पॉइंटों पर चर्चा करते हैं क्योंकि ये सभी के डाउट है दोस्तों। सबसे पहले है कि BSTC क्या है, BSTC जो है वो क्या है, इसके अलावा BSTC का जो कोर्स है वो कितने वर्ष का कोर्स है ये BSTC का, और BSTC जो है वो कौन कौन कर सकते हैं, BSTC के लिए सिलेबस क्या रहेगा, BSTC के लिए प्रमुख सिलेबस क्या रहेगा, किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न होंगे और कितने नंबरों के प्रश्न होंगे, इस प्रकार से आप सभी के बिल्कुल मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है। और BSTC के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, BSTC के अंदर हम फॉर्म भरेंगे तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, फॉर्म कब शुरू होंगे BSTC के, अभी शुरू नहीं हुए हैं, 2023 के लिए फॉर्म जो है वो कब शुरू होंगे, और फायदा किस में है, BSTC करने में फायदा है या PTT करने में फायदा है, वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल सभी का स्वागत है क्लास के अंदर दोस्तों। पुष्पा रात झुकेगा नहीं साला, अच्छे से तैयारी करेगा और नौकरी लेगा। बिल्कुल आप सभी को दोस्तों जबरदस्त तैयारी करनी है। तो हम बात करने वाले सबसे पहले BSTC क्या है, ठीक है। काई है भाई BSTC, देखा देखी। देखो दोस्तों, जिनको टीचर बनना है सबसे पहले BSTC क्या है, जिनको टीचर बनना है वो BSTC करिएगा, जिनको टीचर बनना है वो PTT भी कर सकते हैं, BSTC भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कम समय में नौकरी लगनी है तो BSTC करिएगा। देखो दोस्तों BSTC क्या है, तो बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, ये BSTC का पूरा नाम हो गया, BSTC की फुल फॉर्म हो गई। बी से बेसिक ऐसे स्कूल, टी से टीचिंग, सी से सर्टिफिकेट, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, ये BSTC यानी टीचर बनने के लिए आप, यानी सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा दोस्तों BSTC का। देखिएगा अब वर्तमान समय में BSTC का नाम क्या है, तो वर्तमान समय में हम BSTC को प्री DLED कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री DLED। और पहले हम BSTC कहते हैं, अभी BSTC कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसका वैसे वर्तमान में इसका नाम हो गया प्री DLED। तो BSTC को हम प्री DLED भी कहते हैं। BSTC क्या है, जिनको टीचर बनना है, जो पहले से पांचवी तक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जिनको टीचर बनना है कि भाई जो टीचर के लायक है या नहीं है, ठीक है, टीचर बनने के लायक है या नहीं है, ये है BSTC, ठीक है। समझ में आ गया BSTC क्या है, कि भाई आप एग्जाम देंगे, आप टीचर बनने के लायक हो या नहीं हो, ये एक तरह का सर्टिफिकेट है। जिस प्रकार हमारा 12th एग्जाम होता है, हमारे पास मार्कशीट आती है, उसी प्रकार का ये एक प्रकार का सर्टिफिकेट है BSTC, ठीक है। तो दोस्तों BSTC के बारे में आप समझ गए होंगे, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, जिनको पहली से पाँचवीं तक का टीचर बनना है, ठीक है, प्राइमरी स्कूल को पढ़ाना है पहली से पाँचवीं तक, वो BSTC करिएगा, ठीक है। तो BSTC के बारे में आप समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब कोर्स कितने वर्ष का होता है, ये BSTC का कोर्स कितने वर्ष का होता है, तो BSTC का 2 साल का कोर्स है दोस्तों। अब मैं बिल्कुल आपको विस्तार से बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या होता है। आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि भैया बताइएगा कि जैसे हम BSTC के अंदर फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, और इसका एग्जाम होगा, और एग्जाम में हमारे अच्छे नंबर आए तो और हम पास हो जाएंगे, BSTC में अच्छे नंबर आ जाएंगे, हम पास हो जाएंगे, तो हम क्या टीचर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे दोस्तों टीचर। पहले आपको करना क्या है वो देखिएगा। जैसे आप BSTC का एग्जाम देंगे, ठीक है, जैसे अब आप तैयारी करेंगे जबरदस्त तरीके से, फिर आप BSTC का एग्जाम देंगे, और एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आए, आप पास हो जाएंगे BSTC के पेपर में, ठीक है। तो आपको दोस्तों अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं तो नजदीक कॉलेज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? नजदीकी कॉलेज मिल जाएगी, और 2 साल तक दोस्तों कॉलेज करनी पड़ेगी, BSTC करनी पड़ेगी 2 साल तक, ठीक है। 2 साल तक आप जो है कॉलेज करेंगे, BSTC करेंगे, तो फिर आपके पास होगा दोस्तों डिप्लोमा, ठीक है, एक डिप्लोमा आपके पास होगा, फिर जो है सरकार भर्ती निकालेगी रीट की, ठीक है, रीट लेवल फर्स्ट की, यानी पहली से पांचवीं तक के टीचर की भर्ती निकालेगी सरकार। तो उसमें आप जैसे फॉर्म लगाएंगे तो रीट 3rd grade level 1st में अगर आप उसका पेपर देंगे, रीट का पेपर देंगे, अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे, आप पास हो जाएंगे उस पेपर में, तो बिल्कुल आप टीचर बन जाएंगे दोस्तों,
ठीक है, तो ये प्रमुख प्रोसेस है दोस्तों BSTC क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गई। कुछ नहीं, ये सबसे पहले देखिएगा क्या करना है, ठीक है। आप BSTC का क्या देंगे, सबसे पहले आप एग्जाम देंगे। क्या देंगे दोस्तों? एग्जाम, BSTC का एग्जाम देंगे। एग्जाम देंगे फिर आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगी दोस्तों नजदीक क्या मिल जाएगी, कॉलेज। क्या मिल जाएगी दोस्तों? नजदीक कॉलेज मिल जाएगी, नजदीक कॉलेज मिल जाएगी। कॉलेज में आपको करना पड़ेगा दोस्तों 2 साल का ये कोर्स, BSTC 2 साल का कोर्स ये करना पड़ेगा, ठीक है। 2 साल आपको कॉलेज करनी पड़ेगी, और जैसे आपके पास होगा दोस्तों फिर बाद में 2 साल जैसे BSTC की, तो आपके पास एक डिप्लोमा होगा, ठीक है। डिप्लोमा होगा तो फिर जो है आप क्या करेंगे, जैसे सरकार भर्ती निकालेगी रीट की, तो रीट की भर्ती निकालेगी सरकार, तो रीट में आप लेवल जो है फर्स्ट के टीचर बन जाएंगे, यानी पहली से पांचवीं तक टीचर बन जाएंगे। ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, ये प्रमुख आपके समझ में आ गया होगा, BSTC क्या है और BSTC का जो कोर्स है वो कितने वर्ष का है, तो 2 साल का BSTC का कोर्स है, ठीक है। अब BSTC कौन कौन कर सकते हैं, आखिर BSTC जो है वो कौन कौन कर सकते हैं, ठीक है। BSTC करने की योग्यता क्या है, तो दोस्तों जो 12th पास है, जिन्होंने अभी 12th पास की है, BSTC कौन कर सकते हैं, जो अभी 12th पास है, जिन्होंने अभी जो है वो 12th पास की है, वह सभी जो है BSTC कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कह रहे थे कि भाई परसेंटेज भी मायने रखती हैं, बिल्कुल दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर जो सामान्य वर्ग से हैं, ठीक है, सामान्य वर्ग से, जो सामान्य वर्ग से हैं, जनरल से हैं, ठीक है, जनरल, सामान्य वर्ग या जनरल, ठीक है, जो राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, उनके लिए दोस्तों 50% होने चाहिए 12th के अंदर, ठीक है। जो राजपूत ब्राह्मण हैं उनके लिए 50% चाहिए, सामान्य वर्ग से हैं उनके लिए 50% चाहिए, बाकी ST SC OBC सभी जातियों के लिए 45% चाहिए, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब बिल्कुल आप समझ गए होंगे, जो 12th पास हैं वो सभी BSTC में फॉर्म भर सकते हैं, ये प्रमुख योग्यता है BSTC के लिए, ठीक है। अब आप कहेंगे बिल्कुल BSTC ये प्रमुख आपकी समझ में आ गया कि भाई आप सभी जो है BSTC कर सकते हैं, मेरे हिसाब से सभी के बढ़ेंगे दोस्तों इतने, तो बिल्कुल 45% 50% तो सभी के बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे कि भैया हमारे देखिएगा 12th में 44.99% बन रही है, तो क्या हम BSTC में फॉर्म भर सकते हैं? दोस्तों नहीं भर सकते, 44.99 यानी 45 पूरी होनी चाहिए, ठीक है, 45% से ज़्यादा ही होनी चाहिए लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो 45% आपके अनिवार्य हैं। अब आप देखिएगा सिलेबस क्या रहने वाला है, आप सभी कमेंट कर रहे थे कि BSTC का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या भैया आप तैयारी करवाएंगे BSTC के बारे में? बिल्कुल दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करवाऊंगा और बिल्कुल 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे, ठीक है, मैं ज़बरदस्त तैयारी करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात आती है दोस्तों, यहाँ पर जो बात आती है कि जो BSTC है इसका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है, एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं कि भाई BSTC के लिए सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रमुख सिलेबस की, तो देखिएगा सिलेबस की यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो आपको पता होगा दोस्तों जैसे 4 कॉलमों के अंदर डिवाइड होगा, ठीक है, 4 सेक्शन आएंगे आपके सामने, जिस प्रकार मैंने PTT के बारे में बताया उसी प्रकार से इसमें देखिएगा जो आपका पेपर होगा, पेपर जो होगा 200% आएंगे, कितने पर्सन आएंगे? 200% आएंगे, कितने पर्सन आएंगे दोस्तों? 200% आएंगे। 1 पर्सन 3 नंबर का होगा, 1 पर्सन दोस्तों कितने नंबर का होगा? 1 पर्सन आपके सामने जो है वो 3 नंबर का होगा, यानी इस तरीके से यदि मैं बात करता हूँ 1 पर्सन आपके सामने जो है वो 3 नंबर का होगा, तो आप देख सकते हैं 1 पर्सन 3 नंबर का होगा तो कुल टोटल आपका जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा? 700 नंबर का होगा, कितने नंबर का होगा? 700 नंबर का होगा, पेपर जो होगा आपके 700 नंबर का होगा दोस्तों, ध्यान रखें पेपर आपके 700 नंबर का होगा, क्योंकि 1 पर्सन 3 नंबर का होगा तो याद है 200% है, 200 × 3 यानी कि कितने नंबर का हो जाएगा? 700 नंबर का आपके पेपर होने वाला है। अब देखिएगा पेपर 4 भागों में इस तरीके से डिवाइड होगा, सबसे पहले हम देखते हैं मानसिक योग्यता, यानी कि जो मानसिक योग्यता, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, उसके क्वेश्चन आएंगे मानसिक योग्यता के। अब आप कहेंगे भाई मानसिक योग्यता क्या है, हमने तो नाम ही पहली बार सुना है, मैं सब बता दूंगा दोस्तों किस प्रकार से सभी की तैयारी करवाऊंगा। मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता की बात करें तो मानसिक योग्यता के सामने आपने जो 50% आएंगे मानसिक योग्यता के, कितने पर्सन आएंगे? मेंटल एबिलिटी के 50% आएंगे दोस्तों। 1 पर्सन 3 नंबर का होगा तो आप देख सकते हैं 150 नंबर का होगा दोस्तों, ठीक है, मानसिक जो योग्यता है आपके सामने 150 नंबर के, यहाँ पर देखिएगा 150 नंबर के 50% आएंगे, ठीक है।
यहाँ पर मैं बात करता हूँ दूसरे स्थान पर राजस्थान जीके की। देखिएगा राजस्थान जीके आएगा दोस्तों, और जीके का तो बिल्कुल मैं हलवा बना दूंगा दोस्तों, बिल्कुल आपके 150 नंबर पक्के करवा दूंगा, आप टेंशन ना ले। राजस्थान जीके भी आएंगे दोस्तों 50%, राजस्थान जीके भी कितने, जीके के कितने पर्सन आएंगे, 50% आएंगे, 1% 3 नंबर का, तो आप देख सकते हैं 150 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी प्रकार से मैं तीसरे स्थान पर यदि बात करता हूँ तो देखो आपके सामने जैसे शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि के भी पर्सन आएंगे, मानसिक योग्यता रीजनिंग के पर्सन 50 आएंगे। अब यहां पर मैं किसकी बात करता हूं, शिक्षण अभिरुचि की, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि की यदि मैं बात करता हूं तो शिक्षण अभिरुचि के आएंगे आपके सामने 50%, कितने पर्सन आएंगे, 50% आएंगे। शिक्षण अभिरुचि के 50% आएंगे, 1% 3 नंबर का है, तो आप देख सकते हैं 150 नंबर ये शिक्षण अभिरुचि के हो गए। चौथे स्थान पर यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर देखिएगा अंग्रेजी, इंग्लिश आएगी क्या भैया, बिल्कुल इंग्लिश आएगी दोस्तों, अंग्रेजी आएगी, अंग्रेजी पीछे नहीं छोड़ने वाली है, लेकिन अंग्रेजी में अगर आपके नंबर नहीं आएंगे तो भी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, किस प्रकार होगा मैं बताने वाला हूँ। अंग्रेजी है, हिंदी है, ठीक है, संस्कृत है, संस्कृत है, इनको मिलाकर दोस्तों इनके कितने पर्सन आएंगे, तो इनके 50% आएंगे, ठीक है, और ये भी 150 नंबर के। देखिएगा अब आप कहेंगे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अंग्रेजी के दोस्तों अंग्रेजी के आएंगे आपके सामने 20%, अंग्रेजी के कितने पर्सन आएंगे, अंग्रेजी के आएंगे 20%, और हिंदी और संस्कृत, या तो आप हिंदी लो या फिर आप संस्कृत लो, हिंदी लोगे तो हिंदी की व्याकरण आएगी और संस्कृत लोगे तो फिर संस्कृत के भी आएंगे, हिंदी और संस्कृत में से किसी एक का चूज करना है, या तो आप हिंदी का चूज करें या फिर आप संस्कृत का चूज करें। यहां पर इनके जो आएंगे पर्सन वो आएंगे 30%, ठीक है, आप संस्कृत लेंगे तो आपके सामने दोस्तों संस्कृत की ग्रामर आएगी और संस्कृत के 30% आएंगे, अगर आप हिंदी लेंगे तो हिंदी के 30% आएंगे और हिंदी की व्याकरण आएगी, तो आप देख सकते हैं 20 तो अंग्रेजी के आएंगे, 30 आपके हिंदी के, अगर आप, मुझे पता है आप हिंदी लेना पसंद करेंगे, तो हिंदी और अंग्रेजी यानी टोटल मिलाकर आपके सामने 50% आएंगे, तो अब आपके बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है, हिंदी संस्कृत इन दोनों में से किसी एक को लेना है, संस्कृत के भी पर्सन आएंगे, हिंदी के भी, किसी एक को चूज करना है, आप हिंदी ले लीजिएगा या फिर आप संस्कृत ले लीजिए, ठीक है, 30% आने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों आपके सामने 200 पर्सन आने वाले हैं, कितने पर्सन आने वाले हैं, 200 पर्सन आने वाले हैं, और पेपर आपका होगा दोस्तों 700 नंबर का, कितने नंबर का होगा, 700 नंबर का, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल आप कहेंगे भैया बताइएगा मानसिक योग्यता, राजस्थान जीके, शिक्षण अभिरुचि, अंग्रेजी, हिंदी, इनकी तैयारी करवाओगे, बिल्कुल तैयारी करवाऊंगा दोस्तों, मैं अपना 100% बेस्ट दूंगा दोस्तों, और उसका परिणाम भी जो है वो 100% बेस्ट ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है, मैं आपको जबरदस्त तैयारी करवाऊंगा, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, सब कुछ फ्री के अंदर करवाऊंगा, लाइव के टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ठीक है, मैं पूरा संपूर्ण 100% अपना बेस्ट देने का प्रयास करूंगा, ठीक है, समय से पहले हुए दोस्तों पूरा सिलेबस खींचने की कोशिश करूंगा, ठीक है, आप अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तो मैं बिल्कुल 100% अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है, हाँ, लेकिन आपको मेहनत में कमी ना छोड़े, ठीक है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, पूरा 100% अपना जो है वो यूट्यूब पर करवाएंगे, ठीक है, आप टेंशन ना ले। अब यहाँ पर जो है सिलेबस तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, अब यहाँ पर आके देखिएगा BSTC के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, BSTC के लिए क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, BSTC के लिए प्रमुख डॉक्यूमेंट जो है वो कौन कौन से चाहिए, तो दोस्तों आप जो है फॉर्म भरवाते हैं, आप ई मित्रा से फॉर्म भरवाएंगे तो आप जाके बोलेंगे कि भैया जो है फॉर्म भरना है BSTC का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक आपको बता देंगे ई मित्र वाले, ठीक है। तो वैसे तो देखो 12वीं का जो प्रवेश कार्ड है, आप एग्जाम देने जाते थे 12वीं का प्रवेश कार्ड, वो चाहिए 12वीं का प्रवेश कार्ड, ठीक है, इसके अलावा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट चाहिए, दो फोटो चाहिए, और खुद के हस्ताक्षर चाहिए, खुद के हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर चाहिए और ईमेल ID चाहिए, ठीक है, ईमेल ID मोबाइल के अंदर मिल जाएगी, आधार कार्ड है, मूल निवास है, ये प्रमुख दोस्तों प्रमुख डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए। आप कहेंगे हमारे 12वीं का जो प्रवेश कार्ड वो है नहीं, ठीक है, तो 12वीं का प्रवेश कार्ड नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन 12वीं का प्रवेश कार्ड अगर है तो जरूर लेके जाना है, तो ये प्रमुख डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों, ठीक है। वैसे आप जो है आपके नज़दीकी ई मित्र वाला है तो ई मित्र वाले से पूछिएगा कि हम जो है BSTC का फॉर्म भरना चाहते हैं, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, तो वो ऑटोमेटिक बता देंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि फॉर्म जो है वो कब शुरू होंगे, BSTC के फॉर्म जो है वो कब शुरू होंगे, तो देखिएगा BSTC का अभी फॉर्म शुरू हुए नहीं है, BSTC का फॉर्म दोस्तों शुरू होंगे आपका जैसे 12th जो है, 12th एग्जाम का जब आपके सामने आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों, रिजल्ट आ जाएगा, जब आपके 12th का रिजल्ट आ जाएगा तो BSTC के फॉर्म दोस्तों शुरू हो जाएंगे, आपका रिजल्ट आ सकता है
जून में आ जाएगा आपका रिजल्ट, या फिर बीएसटीसी के फॉर्म या मई के अंत में या फिर जून में इसके फॉर्म जो है वो निकलेंगे। लेकिन दोस्तों आप इसके फॉर्म के इस इंतजार ना करें कि भाई इसके फॉर्म कब निकलेंगे, फिर हम फॉर्म लगाएंगे, फिर तैयारी स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। आप तैयारी अब से स्टार्ट करिएगा दोस्तों। कई दोस्तों ने अभी भी मेहनत शुरू कर दी है, तो आप तैयारी अब से स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप तैयारी अब से स्टार्ट करते हैं तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं 15 अप्रैल से रेगुलर क्लास स्टार्ट कर दूंगा, आप सभी का सपोर्ट इसी तरीके से बने रहेगा। और दोस्तों देखिएगा, ये मैंने बता दिया है फॉर्म की, तो या तो मई के अंत में या जून में इसके फॉर्म जो है वो निकल जाएंगे बीएसटीसी के। अब फायदा किस में है, हमें बीएसटीसी करनी चाहिए या पीटीटी करनी चाहिए? बिल्कुल, फायदा किस में है, बीएसटीसी करनी चाहिए या पीटीटी करनी चाहिए? तो दोस्तों अगर आपको कम समय में, ठीक है, जल्दी नौकरी लगना है तो मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए बीएसटीसी। कम समय में जल्दी नौकरी लगनी है तो बीएसटीसी करिएगा। 2 साल का कोर्स है और बिल्कुल आप 2 साल के अंदर दोस्तों बीएसटीसी यानी नौकरी लग जाओगे, पहले से 5वीं तक के टीचर बन जाओगे अगर आप मेहनत करोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ पीटीटी। वैसे तो फायदा जो है वो ज़्यादा फायदे तो अपने पीटीटी में है, लेकिन दोस्तों अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार हमें चलना है, परिवार की आर्थिक स्थिति किस तरीके से, हमें जल्दी नौकरी लगना है तो आप बीएसटीसी करिएगा। वैसे यार देखिएगा, आप पीटीटी करेंगे तो पीटीटी में देखिएगा आपकी 1 साल की बचत हो जाएगी, ठीक है, यानी बीएड के साथ साथ बीए भी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। पीटीटी आप करेंगे तो आप जैसे बहुत सारे नौकरियां, जैसे पटवार हैं, ग्राम सेवक हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, राजस्थान की लगभग सभी वैकेंसी आ जाती हैं, तो पीटीटी आप कर देंगे तो बिल्कुल आप जो है फॉर्म सभी वैकेंसियों में अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रमुख पीटीटी करने से फायदा है, ठीक है, और ये प्रमुख आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। लेकिन मेरे हिसाब से आपको बीएसटीसी करनी चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है कि भाई मुझे तो कम समय में नौकरी लगना है, तो फिर आप बीएसटीसी करिएगा, बीएसटीसी सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है दोस्तों, मैंने तो बता दिया है, ये डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, बीएसटीसी करना चाहते हैं या पीटीटी करना चाहते हैं, ठीक है। जल्दी नौकरी लगना है तो बीएसटीसी करिएगा। तो दोस्तों मैंने जल्दीबाजी में ये प्रमुख आपके सामने बता दी है, प्रमुख इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी है, लगभग बीएसटीसी के बारे में संपूर्ण मैंने जानकारी दे दी है। और भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में आप सभी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्लास से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, अपना चैनल का नाम देखिएगा, एक चैनल है अपना महेंद्र पाली कोचिंग नाम से है, महेंद्र पाली कोचिंग, वैसे तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, महेंद्र पाली कोचिंग, महेंद्र पाली कोचिंग, महेंद्र पाली कोचिंग यूट्यूब चैनल है। जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करोगे महेंद्र पाली कोचिंग यूट्यूब चैनल, देखो यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे महेंद्र पाली कोचिंग तो अपना ये चैनल आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम उसमें भी लाइव आएंगे और इस चैनल पर भी लाइव चलेंगे, ठीक है। तो मुकेश महेंद्र एजुकेशन इस चैनल पर भी तैयारी चलेगी, तो उस चैनल पर भी तैयारी चलेगी, बिल्कुल आप इसी तरीके से हमारे ऊपर सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं आपको जल्द ही वापस नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और भी आपके डाउट हैं तो मुझे कमेंट में आप सभी बोल सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।